नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे अयोध्या की उस जमीन के बारे में जिसका रेट 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया मिनटों में। जी हाँ, चंपत राय ने क्लैरिफिकेशन दिया है और कहा है कि राम मंदिर की जो के अराउंड जो बिल्डिंग जो ज़मीन है उसकी खरीदारी होनी थी, उसको लेकर रेलवे स्टेशन के करीब का एरिया बढ़ाए जाने के चांसेस थे। इसके चलते इसी ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी 2010 या 11 में। उसके बाद उनका ये कहना है, राजा चंपत राय का कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी राजनीति हो रही है, जो भी पार्टीज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रही हैं, पूरा एक तरह से राजनीतिकरण हो रहा है प्रभु श्रीराम के मामले का, तीर्थ ट्रस्ट के मामले का, और एक तरह से गलत एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। चंपत राय ने यह भी हालांकि कहा है कि उन पर 100 से ज़्यादा आरोप लगे हैं, गांधी के एसेसिनेशन का आरोप लगा है, पर वो आज तक नहीं डरे। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। वो लड़ते आए हैं, पर सवाल यहाँ पर ये है जो अभी तक उठ रहा है, क्योंकि अभी तक जो तीर्थ क्षेत्र है उसकी तरफ से कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन ऑन पेपर नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदी है 18 करोड़ रुपए में, वो उतने की ही है। यानी कि जो संजय सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में करी, उसके बाद पवन पांडे जो सपा के नेता हैं उन्होंने अयोध्या में करी, आरोप गंभीर लगाए थे। कहा था कि 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को 18 करोड़ में तीर्थ क्षेत्र ने खरीदा और ये रेट 5 मिनट के अंतराल में बढ़े। स्टैम्प पेपर की बात हुई कि जो स्टैम्प पेपर पार्टी वन यानी कि जो है जो अंसारी वाली जो पार्टी है उसने लगाए थे, वो उसका टाइम 5:27 PM दिखा रहा था, जबकि जो स्टैम्प तीर्थ क्षेत्र वाला था उसका टाइम 5:21 PM दिखा रहा था। आप नज़र लगा सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी जब खरीदी जाती है तो जो पहला ओनर होता है उसके जो स्टैम्प पेपर होगा बहुत ही ऑब्वियसली बात है उसका स्टैम्प पेपर का टाइम पहले का होगा। जबकि यहाँ पर कुछ और ही खेल नज़र आया, जो तीर्थ क्षेत्र जिसने कि बाद में प्रॉपर्टी 18 करोड़ में खरीदी, लगभग 18.5 करोड़ में खरीदी, उसका जो टाइम था वो नज़र आया पहली पार्टी के टाइम के आगे का। तो यहाँ पर भी एक कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई। कोई भी क्लैरिफिकेशन बड़े लेवल पर नहीं दिया गया है। आज भी चंपत राय सर्किट हाउस आए थे, हालांकि नृपेंद्र मिश्रा भी अयोध्या में 2 दिन की विजिट थी और राम मंदिर की को लेकर चर्चाएं थी, उसी को लेकर मीटिंग चल रही थी। हमने जब चंपत राय से बातचीत करना चाहा, उनके करीब गए, तो यूपी तक को उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कुछ भी नहीं बोले। एक संदेश बस उनकी तरफ से ये आया कि जो आज मीटिंग हुई है वो सिर्फ राम मंदिर को लेकर हुई है। यही DM अयोध्या की तरफ से यूपी तक को बताया गया कि जो मीटिंग है उसका इस एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। पर सवाल ये है कि क्यों नहीं है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, भले प्रियंका गांधी वाड्रा हों या कोई भी बड़े नेता हो, कांग्रेस पार्टी, सपा, जो भी बड़ी पार्टीज़ हैं अपोजिशन में, वो लगातार सवाल उठा रही हैं कि आखिर कैसे ये खरीद फरोख्त वाला मामला हुआ है। उन्होंने इसको अयोध्या लैंड स्कैम तक का नाम दे डाला है। अब देखना है कि चंपत राय इस मामले में कोई जवाब दे पाते हैं या नहीं, या फिर कुछ प्लानिंग चल रही है अंदर ही अंदर, कुछ कागजात तैयार किए जा रहे हैं, जैसे संजय सिंह की जो बात है, पवन पांडे की जो बात है, उसको गलत साबित कर दिया जाए। पर फिलहाल की जो अपडेट यहां से है उत्तर प्रदेश की अयोध्या से, अभी तक कोई साक्ष्य ऐसे नहीं मिल पाए हैं जिससे चंपत राय या फिर जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है वो ये प्रूफ कर पाया हो कि संजय सिंह, आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, जो भी आरोप लगाए हैं, वो गलत हैं। यूपी तक आपको इस खबर को हर बारीकी से दिखाएगा और दिखाएगा, इसमें जो भी अपडेट्स आएंगी, कुछ अगर क्लैरिफिकेशन आता है आप वो भी यूपी तक पर देख पाएंगे। हम लगातार इसको ट्रैक कर रहे हैं, पर फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है, अभी तक इस मामले में तीर्थ क्षेत्र की तरफ से कोई खासा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया। बस इतना कहा गया है कि जो रामलला को लेकर मंदिर की जो ज़मीन है, जो आसपास की ज़मीन खरीदी जा रही है, वो आस्था से जुड़ा मामला है और उसको लीगली ना देखा जाए। संजय सिंह के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।